गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक क्वेश्चन और करेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। इसमें देखिए थ्री पार्टनर्स हैं ए बी सी और पार्टनर्स इन ए फर्म एंड शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ओके, ऑन 31 मार्च 2008 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। तो ये आप देखिए, सबसे पहले हमारा स्टेप यही होता था कि हम ये सारे आइटम कंसर्निंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। ठीक है, देखिए सबसे पहले कैश दिया हुआ है, कैश को कैश अकाउंट में लेकर के जाएंगे। डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और ये प्लांट। तो ठीक है, ये चार चीज़ें हमें कहाँ ट्रांसफ़र करनी होंगी, उसके रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके, ये चार चीज़ें रिलाइजेशन अकाउंट में जाएंगी और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होगा, ये पार्टनर, क्योंकि ये लॉस है, पार्टनर्स की कैपिटल में डेबिट साइड में इनके 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, पहले इनको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले कैश, अगर आप देखें कैश का ये बैलेंस इधर बैलेंस आ गया 22,500 का। उसके बाद जितनी एसेट्स थी, सन्ड्री एसेट्स, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और प्लांट, ये चार चीज़ें इधर आ गई। ओके, और उसके बाद एक P&L जो हमने आपको बताया था, वो कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, देखिए ये 27,189,000 ये वाला यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, 54,000 जो था कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये तीन आइटम मतलब एक कैश जो कैश अकाउंट में गया है, एक आइटम ये हो गया, दूसरा आइटम ये वाली एसेट्स यहाँ से यहाँ तक की। ओके, ये एसेट्स, दूसरा आइटम जो कि रियलाइजेशन के उसमें चली गई डेबिट साइड में, और तीसरा आइटम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जो कि कैपिटल में डेबिट साइड में चला गया। अब इधर आते हैं लाइबिलिटी साइड जो दे रखी है आपकी। सबसे पहले क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये दोनों देखिए आपने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है, ये दो ही आ गए। इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है देखिए एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी है बच्चों। ठीक है, इसे भी क्योंकि एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करना होता है हमें, तो ये इधर आ गया 12,000 का। ओके, उसके बाद इसमें दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6,000 की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व है आपके 6,000 की यहाँ पर ये आ गई। ठीक, और उसके बाद दे रखा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 8,000, ये 8,000 हमारा ये आ गया। ठीक है, तो 8,000 ही हो गया, टोटल 1,11,000 इधर आ गया। ओके, अब ये जो कैपिटल है ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट में चली जाएंगी। हमने यहाँ पर देखिए कैपिटल अकाउंट ये बनाया हुआ है, टू बाय बैलेंस बी डी 80, 50 और 30, ये कैपिटल में चले गए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बैलेंस शीट के तो आइटम हमने सब कर लिए, अब एडजस्टमेंट पे आते हैं। ओके, तो आपको एडजस्टमेंट दे रखी है, ऑन दिस डेट द फर्म वॉज डिजॉल्व, ए वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स, यानी ए सारा काम करेगा, ये जो एसेट्स वगैरह जो सेल करने का काम है ए करेगा। ए वॉज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द सेल ऑफ एसेट्स एंड वॉज टू बेयर ऑल एक्सपेंसिज ऑफ रियलाइजेशन। ठीक है, उसको 5% कमीशन मिल रहा है, लेकिन ये 5% किसका मिल रहा है, ऑन द सेल ऑफ एसेट्स, जितनी एसेट्स की सेल होगी उसका 5% इसको कमीशन मिलेगा। ओके, अब ए रिलाइज द एसेट्स एज फॉलोज। ठीक है, ए ने किस किस तरह से एसेट्स को बेचा है, डेटर्स 30,000 के, स्टॉक 26 का, इन्वेस्टमेंट 75% ऑफ बुक वैल्यू, जितना आ गया उसका 75% मिला है, प्लांट से 42,750 और एक्सपेंसेस और रिलाइजेशन जो हुए हैं 4,100 को है। पहले आप ये देखिए कि एसेट्स को हमने कैसे ट्रीट किया, जो जो मिला है, डेटर से मिले हमें 30,000, देखिए 30,000 था डेटर से, 30,000 स्टॉक से, 26,000 ये आ गया, इन्वेस्टमेंट से 11,250 मतलब इन्वेस्टमेंट से सिर्फ 75% मिला है, इसलिए कैलकुलेट होकर के ये ऐसे आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लांट से मिला है 42,750 ये मिल गया। ठीक है, तो 1,10,000 रुपये ये मिल गए हैं। ठीक है, ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात की गई है, तो बच्चों ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आप देखिए, आपको इसमें एंटर नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि ए उसके लिए कमीशन ले रहा है। ठीक है ना,
ए को मिल रहा है ना कमीशन, ये 5,500 का 5% कमीशन मिल रहा है ना, इसने 1,10,000 का ये देखिए सेल किया था, उसका 5% हमने यहाँ कैलकुलेट कर दिया 5,500। जब फर्म उसको कमीशन दे रही है तो रिलाइजेशन एक्सपेंसेस उसको बेयर करने हैं, इसलिए इसकी एंट्री रिलाइजेशन एक्सपेंसेस के आप अलग से इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली जो अमाउंट है ये 4,100 की, ये कहीं एंटर नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वॉज रिटर्न टू द कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग 3,000। अब कमीशन जो हमें मिला हुआ था, यहाँ पर मिला था, देखिए लाइबिलिटी है कमीशन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ये आप देख रहे होंगे, ओके। 8,000 जो हमें पेमेंट करना था, लेकिन हमने 8 नहीं किया है, हमने उसको सिर्फ 5,000 किया है, उसमें क्वेश्चन में लिखा है कि हमने 3,000 डिडक्ट कर लिया, तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस जो लिखा हुआ है ये 5,000 का हम पेमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? 3,000 एडजस्टमेंट में दिया है कि 3,000 डिडक्ट करने के बाद हमने उसका पेमेंट किया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है देखिए 3,000 डिडक्ट हो गए। द फर्म हैड टू पे 7,200 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर। एक पेमेंट और करना पड़ा आउटस्टैंडिंग सैलरी का, जो कि बैलेंस शीट में नहीं थी, ठीक है, ये भी हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉयज अमाउंटेड ₹9,800 है ना। दिस लाइबिलिटी वॉज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द अबव बैलेंस शीट, ये भी बैलेंस शीट में आपने नहीं इसमें मेंशन की थी, तो ये हमारी 9,800 ये आ गई ना, ठीक है। उसके बाद रखा है ₹25,000 हैड टू बी पेड टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के हमने 25,000 हमने पेमेंट किया है, ओके। तो कुल मिलाकर जो हम पेमेंट कर रहे हैं 47,000 का हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए बैंक के तीन आइटम आए यहाँ पर, एक तो आइटम आया 5,500 का जो कि कमीशन ए को मिला है, दूसरा आया जो हमने इतने सारे पेमेंट किए हैं 47,000 के, और ये 1,10,000 ये जो है हमें अमाउंट एसेट्स को बेचने से मिली है। तो जो अमाउंट मिली है वो कैश अकाउंट के टू साइड में जाएगी, और ये जो पेमेंट है ये बाई साइड में जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, कैश अकाउंट में एसेट्स 1,10,000 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 47,000 के एक्सपेंडिचर थे, ठीक है, लाइबिलिटीज पेड लिखा हुआ है ना, ओके। अब देखिए अगर आप यहाँ पर देखें, ये देखिए आपने सारी एडजस्टमेंट पढ़ ली, यहाँ तक हो गया, लेकिन कोई भी इन्फॉर्मेशन क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के लिए नहीं दी हुई थी, है ना। ये दो इन्फॉर्मेशन आपकी मिसिंग थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका पेमेंट नहीं करेंगे, इसका पेमेंट हमें करना है और सेम अमाउंट पे फिर करना पड़ेगा। तो 65,000 ये और 20,000 ये, तो टू कैश यहाँ पर हमने पेमेंट किया क्रेडिटर्स के लिए और बिल्स पे बिल के लिए, और उतनी ही अमाउंट से होगा, ओके। तो ये 85,000 का पेमेंट और आपने किया, तो ये 85,000 का पेमेंट यहाँ पर ही आ गया, ओके। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, बस आपको रिलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है, और कोई इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दी हुई है। तो अब हमने बैलेंस शीट के भी हमने सारे आइटम ऑलमोस्ट सब डाल दिए हैं, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपने इस अकाउंट को क्लोज कर देना है, किसे, ये रिलाइजेशन अकाउंट को। हमने इधर टोटल किया, हमारे डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, ठीक, तो 3,32,000 ये आया, इधर से हमने ये वाली अमाउंट माइनस करी क्रेडिट साइड वाली, तो ये माइनस करके 1,11,000, और इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैप, ये जितना भी लॉस था ये इनके इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो गिवन रेशियो है, ये लॉस यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों एक चीज़ दे रखी है कि हम इधर का टोटल लगाएंगे, है ना, ये हमने एक कमीशन जो दिया था एक, उसकी एंट्री आ गई है 5,500 की, ठीक। आप देखिए अगर हम देखें इसका टोटल ए का, ठीक है, तो ए में 80,000 ये दिया हुआ है, 5,500 ये है, और बाय कैश लिखा हुआ है और दे रखा है कैश ब्रॉट इन 1,100 का, इसको कैश लेकर के आना पड़ रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो टू कैश अकाउंट लिखा है 4,100 का, ठीक, और ये दे रखा है एक्चुअल अमाउंट
spent by A to realize the assets is treated as his drawings. ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये मान लिया गया है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है, एज्यूम किया हुआ है कि जितना भी इसे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है उसको इसका ड्राइंग्स इन्होंने एज्यूम कर लिया है ना। तो अब आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि ये एज्यूमशन इन्होंने इस क्वेश्चन में की हुई है, आप चाहें तो एज्यूमशन ना कीजिए, है ना। उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप एज्यूमशन नहीं करेंगे तो आप सिर्फ इधर का टोटल लगाएंगे, ठीक है, और इधर के बाद इधर जो बचेगा ये फाइनल पेमेंट की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा उस अमाउंट को भी निकालेंगे तब भी आपका कैश जो है टैली कर जाएगा, आप ड्राइंग्स नहीं भी निकालेंगे तो। बी का देखेंगे तो बी का तो आपको इधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है, इधर उसको बी को कैश देना पड़ेगा, और इसमें सी का टोटल इधर ज़्यादा आ रहा है तो एक सी को पेमेंट मिलेगा। तो अगर आप देखें तो दो तो पेमेंट इधर आ रहे हैं, है ना, इसका मतलब इन लोगों को इधर ये अमाउंट इधर आ रहा है, तो इसका मतलब ये इन्होंने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो दिखा रखे हैं बच्चों, फिर आप ये वाला वो इसको नहीं दिखाएंगे, है ना। क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि फिर हम ये मान रहे हैं कि उसको कमीशन मिल गया है और वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस खुद बेयर करेगा। ये वाला अमाउंट जो है 2500 का, ये 2500 आपका ये वाला इसको मिल गया सी वाला, ठीक, और ये दोनों इतनी इतनी अमाउंट पे करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल आपका टैली हो जाएगा। आपको इस तरह से नहीं करके आप सीधा सीधा इसका यहाँ से बैलेंस निकाल करके भी, यानी यहाँ जो हम बैलेंस निकालते हैं टू कैश, वो सीधा सीधा वैसे भी कर सकते हैं, उस कंडीशन में आप रिलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में इन्होंने एज्यूम करके दिखा रखा है कि भाई इसने जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर रहा है वो इसके ड्राइंग्स हैं, ज़रूरी नहीं आप ड्राइंग्स माने, आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन हो जाएगा, उस कंडीशन में आपका ये टोटल थोड़ा सा डिफर आएगा, ओके। तो बच्चों आप इसको दोनों तरह से करके देख लीजिएगा, जो आपको मेथड ठीक लगे उससे आप इसको एडॉप्ट करिएगा, ठीक है, थैंक यू।